हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी महादेवी। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा लंच बता रही हूँ जो आज मेरे घर में बना है। इसके लिए मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों को बिना दाल का सांभर बता रही हूँ। इसमें बिल्कुल ही दाल नहीं जाता है, ये ओनली वेजिटेबल्स से बनाया जाता है। चलिए तो मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसके लिए आज मैं इस बाउल भर के बना रही हूँ, इसलिए उस अंदाजे से मैं पानी ले चुकी हूँ। उसके अंदर कद्दू, भिंडी, बैंगन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अगर आपके पास है तो ड्रमस्टिक आलू भी डाल सकते हो। इसमें मीठा कद्दू भी जाता है। इसे मैं 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल आए और उसके पूरे वेजिटेबल्स पक जाए अच्छे से पका लूंगी। ये देखिए ऑलरेडी पक चुका है। अब इसके अंदर मैं खटाई डालूंगी इमली की। आप लोग इसमें इमली की खटाई थोड़ा ज़्यादा डालिए क्योंकि इसमें मीठा भी ज़्यादा जाता है, एक खट्टा मीठा स्पाइसी होता है। अभी इसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर, कलर के लिए थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, गुड़ और हींग डालेंगे और अच्छे से मिला के इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी मिला लेंगे। नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे और अभी दूसरी तरफ हम लोग पायसम के लिए तैयारी कर लेंगे। आज मैं चावल और मूंग के दाल की पायसम बना रही हूँ। देखिए इसमें मैं 3/4 कप चावल और 1/4 कप मूंग की दाल लूंगी और इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। चलिए तो फिर इसमें 1 कप चावल को मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसे अच्छे नरम से पकाना है। इसलिए सिंक में डिशवाश कर रहे हैं। चूल्हा पूरा गंदा हो गया क्योंकि मैं अभी जवारी की रोटी बनाई थी, इसीलिए गैस पूरा गंदा हो गया है। पहले मैं इसे क्लीन कर लूँगी। अब इसके बाद मैं वेजिटेबल सांभर को तड़का दे दूँगी। इसमें थोड़ा सा तेल, जीरा, मेथी दाना और राई डाल के, थोड़ा सा हींग और साबुत लाल मिर्च डाल के इसे तड़का दे दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, एक ऐसा तड़का हुआ आप गलत मत समझिए क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से तड़का दे रही हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है, सॉरी। और इसमें मैं 2 स्पून चावल का आटा पानी डाल के बिना लम्स के अच्छे से मिला ली हूँ। अब इसके अंदर डाल के हम लोग इसे फिर से 10 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। देखो उसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अभी थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिला लेंगे। ये सांभर रेडी हो गया। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप लोग बना के देखिए और आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिए। मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए तो एक तरफ मैं पायसम के लिए कुकर रख दी हूँ और एक तरफ सब्जी बना रही हूँ। आज मैं जो सब्जी बना रही हूँ उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। हम लोग इसे तेलुगु में चिकुड़गाय बोलते हैं। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए जरूर। एक कढ़ाई में तेल, जीरा, राई डाल के
जब राई फटने लगे तो हम लोग उसके अंदर प्याज डाल देंगे। और लहसुन और हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना के रखा था, वो पेस्ट भी डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई करते वक्त इसका खुशबू इतना अच्छा आता है, ट्राई करिए आप। इसमें थोड़ा सा हल्दी, 2 स्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छे से फिर से मिला लेंगे। और अभी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। अभी सब्जी को मैंने हाफ बॉईल करके रख दिया था, अभी उसे डाल देंगे इसके अंदर। डाल के और सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। इसे 5 मिनट पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है, इसके अंदर हरा धनिया डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये सब्जी रेडी हो गया। इसे दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, मैं फिर से बताऊंगी, उसे भी बताऊंगी। अभी पायसम बना लेंगे हम लोग। पायसम के लिए मैं 1 कप से थोड़ा ज्यादा गुड़ ली हूँ, इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये पायसम, जैसे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है वही स्वाद होता है ये। इसे हमें गुड़ पक जाने तक उबालना है, इसका चाशनी नहीं बनाना है। आप लोग चाहे तो चावल को थोड़ा सा मैश करके भी डाल सकते हो, हमारे घर में थोड़ा चावल चावल ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही डाल दी हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है बताइए जरूर। थोड़ा सा दूध डाल के इसे फिर से और थोड़ा पका लेंगे। आप लोग चाहे तो पूरी तरह से दूध में भी पका सकते हो चावल को। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी इसके अंदर इलायची पाउडर और थोड़ा घी डाल चुकी हूँ, और दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा घी और काजू को फ्राई करके इसमें डाल दूंगी। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अपडेटेड मिलते रहे। देखिए मेरा लंच रेडी हो गया है, मैं ऑलरेडी जवारे की रोटी बना चुकी हूँ, चावल राइस कुकर में बन चुका है, पायसम बन गया है, सब्जी बन गया है, सांभर बन गया है। इस सांभर को हम लोग आंध्रा में मुक्कला पुलसो कहते हैं। आप लोग जरूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। देखिए मेरा पूरा लंच रेडी हो चुका है, मैं टेबल पे लगा चुकी हूँ अभी। और हमारे घर में हर दिन फली का चटनी होता है, कंपलसरी होता है फली का चटनी है, और टमाटर का चटनी है। तो आपको कैसा लगा बताइए जरूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके बाय।